हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3E से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में हमारे पास दिया गया है कि पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, दो पॉइंट हमारे पास है ए और बी और वो दोनों के बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है। ओके, उसके बाद हमारे पास दिया गया है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी सिमल्टेनियस, मतलब कि एक कार ए से स्टार्ट होता और दूसरा बी से स्टार्ट होता और दोनों एक साथ स्टार्ट होता। ओके, इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो दे मीट इन 7 आवर्स। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं ए पॉइंट हमारे पास यहाँ है और बी पॉइंट हमारे पास यहाँ है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है 70 किलोमीटर। यहां से अगर एक कार स्टार्ट होता है और यहां से एक कार स्टार्ट होता है, ओके, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इसका डायरेक्शन अगर ईस्ट के साइड में है तो इसका भी डायरेक्शन ईस्ट में है, तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब ये कितने आवर्स के बाद मिलते हैं, 7 आवर्स के बाद मिलते हैं। अच्छा, एक चीज आप समझिए कि अगर मैं ए का स्पीड मान लूं एक्स किलोमीटर पर आवर और इसका मैं वाई का मान लू वाई किलोमीटर पर आवर, ओके, तो ये दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7 आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, 70 किलोमीटर, क्योंकि ये दोनों के बीच का गैपिंग कितने का है, 70 किलोमीटर का है और ये दोनों मिल जाता है, मतलब कि ये 70 किलोमीटर कवर किया गया है। बात समझ आया? तो मैं ये मान लेता हूं क्वेश्चन नंबर ये 31 है, मैं ये लिख सकता हूं कि लेट स्पीड ऑफ कार, ये मैं लिख सकता हूं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार स्टार्टेड फ्रॉम ए का स्पीड मैं मान लेता हूं एक्स किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ सेकेंड कार स्टार्टेड फ्रॉम बी इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहां से देखिए तो मैंने एक्स माइनस वाई और 7 कैसे लिखा, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए अगर जो पहला जो स्टेटमेंट है कि एक्स माइनस वाई के स्पीड से 7 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जा रहा, तो आप क्या पढ़े, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम ये पढ़े हैं। ठीक है, मैं इसी का यूज कर रहा हूँ, स्पीड हमारा कितना है एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 70 और ये टाइम कितना कवर किया जा रहा है 7 आवर। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गया होगा और इसको अगर फर्दर मैं सॉल्व करूं तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन 1 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब दूसरा जो कहा जा रहा है इसमें कि इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर, ये हो गया, बट इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में न जाकर के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, तो ये दोनों कंडीशन में अगर इसका स्पीड इस ओर रहे और इसका स्पीड इस डायरेक्शन में रहे, एक ईस्ट की साइड जा रहा है तो दूसरा वेस्ट की साइड जा रहा है, तब ये दोनों 1 घंटे बाद मिल पा रहे हैं। तो अब की बार देखिए तो ये लोगों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। मैं आपकी ओर आ रहा हूं 10 किलोमीटर की स्पीड से और आप मेरी ओर आ रहे हैं 15 किलोमीटर की स्पीड से, तो हम दोनों एक दूसरे की ओर 1 घंटे में कितने किलोमीटर मतलब आगे की ओर बढ़ जाएंगे, तो 25 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में आप मेरी ओर 15 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे और मैं आपकी ओर 10 किलोमीटर, तो हम दोनों के बीच का गैपिंग 25 किलोमीटर डिक्रीज कर जाएगा आफ्टर 1 आवर। तो वही चीज मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या एक्स प्लस वाई, अब की बार जो डिस्टेंस होगा वो क्या, सॉरी अब की बार जो स्पीड होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होगा तो प्लस होगा और अगर सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन मतलब कि एक अगर ए ईस्ट की ओर जा रहा है तो बी भी ईस्ट में जा रहा है, तो उस कंडीशन में माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 70 किलोमीटर और टाइम है 1 आवर, तो
तो मैं इसको हटा देता हूं और ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। अब ये दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 70, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 18 और यहां से आ गया कितना 40। ठीक है, अगर 40 आपने फाइंड आउट कर लिया तो इसको पुट करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, वन में मैं पुट कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए 40 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 10, तो 40 माइनस सॉरी माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 40। ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 30, ये कैंसिल हो जाएगा और वाई का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 30। तो वाई का वैल्यू 30, इट मीन्स कि बी का स्पीड कितना था 30 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर में आप मेंशन करेंगे, और एक्स किसका स्पीड था ए का, तो ए का स्पीड हमारा कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गया होगा, चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कितना 32 देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बसरते आपको समझ में आना चाहिए उसका स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट अगर समझ में आ रहा है तो दूसरा कंडीशन आपके पास ये होना चाहिए कि उससे आप इक्वेशन ऑब्टेन कर पा रहे हो। अगर आप इक्वेशन फॉर्म कर पा रहे हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि आपको इक्वेशन सॉल्व करने आ चुका है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप इलिमिनेशन मेथड भी पढ़ चुके हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ चुके हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ चुके हो और ग्राफिकल मेथड भी आप पढ़ चुके हैं। तो कोई भी मेथड आप लगा करके इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है या फिर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक सर्टेन डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कवर किया जाता जा रहा है। इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, अच्छा यहाँ पर हमारे पास दो चीज नहीं है, एक तो कितना टाइम ले रहा है ये भी नहीं पता है और दूसरा हमें स्पीड भी नहीं पता है। ठीक है, तो अगर मैं मान लू कि 32 नंबर में कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन या फिर ओरिजिनल स्पीड आप लिख लो, क्योंकि अभी बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं, दो कंडीशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू क्या है, ओरिजिनल स्पीड में मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन टू कवर द होल जर्नी। ठीक है, होल जर्नी ये पूरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक मिनट मैं देख लेता हूं। ठीक है, जर्नी में जो टाइम स्पीड आपको फाइंड आउट करना है तो मैं मान लेता हूँ वाई आर। अच्छा एक चीज बताइए आप, अगर मेरा स्पीड एक्स है और टाइम मुझे पूरे जर्नी को कवर करने में वाई लग रहा है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो मैं यहां से ये चीज लिख सकता हूँ क्या कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स इन टू वाई। अगर मैं बोलूं कि मेरा स्पीड 60 किलोमीटर पर आर है और मुझे किसी सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में 2 आवर्स लग रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो डिस्टेंस जो मैंने कवर किया वो 120 किलोमीटर होगा, क्योंकि एक घंटे में 60 किलोमीटर फिर दूसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर, ओवरऑल कितना हो गया 120 किलोमीटर। ठीक है, तो वही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए कंडीशन दिया गया केस वन क्या दिया गया है, तो ये आप समझिए कि अगर क्या किया जाए कि 5 किलोमीटर फास्टर हो जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस। तो 5 किलोमीटर अगर फास्टर हो जाए तो स्पीड हमारा क्या हो जा रहा है x प्लस 5। ठीक है, केस वन में हमारा स्पीड 5 किलोमीटर फास्टर हो जा रहा है तो हमारे पास टाइम कितना लग रहा है 3 आवर लेस लग रहा है। तो ये y पहले टाइम लग रहा था, अब कितना लगना चाहिए y माइनस 3 लगना चाहिए। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए तो ये दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों तो हमारा डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये दोनों जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों आप इसको इसके इक्वल कर सकते हैं क्या एक्स वाई के इक्वल, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर 5 किलोमीटर आप फास्टर हो जा रहे हैं तो टाइम आपको 3 आवर लेसर लग रहा है, तो जो आपका स्पीड है मतलब बढ़ाने के बाद तो उसको अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ओवरऑल डिस्टेंस ही देगा। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा।
अब देखिए x इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री एक्स, फाइव इंटू वाई प्लस फाइव वाई, और ये फाइव थ्री जा कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए तो मैं ये लिख सकता हूं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 15। ये एक्स वाई था इसको यहां छापा, ये वाला प्लस में है इस साइड जाएगा माइनस में, और ये माइनस में था इस साइड जाएगा प्लस में। ये दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म करा कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब केस टू पर आइए, केस टू की बात करते हैं। तो केस टू हमारे पास क्या दिया गया है, केस टू हमारे पास कंडीशन दिया गया है कि 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। तो अब की बार क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर स्लोअर मतलब माइनस कर दिए, लेकिन टाइम हमारे पास कितना लग रहा है, 4 आवर मोर लग रहा है। आई थिंक यही है, मैं देख लेता हूं एक बार, 3 आवर मोर है, 3 आवर मोर है, ये ध्यान दीजिएगा, प्लस 3 आवर, और ये फिर से वही एक्स वाई ही देगा। अब देखिए तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3x, और ये हो जाएगा माइनस 4y माइनस 12 दैट इज इक्वल टू एक्स वाई। अब यहां से अगर लिखेंगे तो एक्स वाई को मैं उस साइड ले जाऊंगा, 3x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू एक्स वाई, ये एक्स वाई उधर अगर ले गए मतलब राइट साइड में तो माइनस एक्स वाई, और ये 12 को उस साइड ले गए तो प्लस, तो ये दोनों कैंसिल और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा 3x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन टू और ये हमारा इक्वेशन वन। मैं देख लेता हूं कि आपको नीचे तक दिख पा रहा है या नहीं, आई थिंक हाँ ठीक से दिख रहा है। चलिए तो अब ये दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूं, ये दोनों को क्या करता हूं, ये दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूं और एक्स वाई का वैल्यू मैं फाइंड आउट कर देता हूं। ओके, तो मार्कर चेंज कर लेता हूं। ओके, देखिए अब यहां से अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो हमारे पास है माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 और दूसरा है 3x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 12। अगर मैं इसको सॉल्व करूं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ऐड करूं तो, और ये यहां पर साइड में आप लिख देना या फिर ऑन एडिंग यहां पर लिख देना, ऑन एडिंग एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है ये एंड है। ओके, 5y में से 4y को माइनस करेंगे तो हमारे पास y आएगा, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब ये y का वैल्यू तो फाइंड आउट हो गया, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुटिंग द वैल्यू, द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन, मैं इक्वेशन वन में पुट कर देता हूं। ठीक है, तो माइनस 3x प्लस 5 इंटू 27 दैट इज इक्वल टू 15। माइनस 3x इज इक्वल टू 15 और ये माइनस कितना हो जाएगा 135, और ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो 120 आ जाएगा माइनस में, x इज इक्वल टू कितना माइनस 120 डिवाइडेड बाई माइनस 3, ये हो जाएगा 40। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अब हमारे पास क्या फाइंड आउट करना था वो मैं आपको बता दे रहा हूं, हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी। तो लेंथ ऑफ जर्नी क्या था, लेंथ ऑफ जर्नी हमारा x इंटू वाई था, तो लेंथ ऑफ जर्नी, लेंथ ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ जर्नी हमारा एक्स वाई हो जाएगा, तो एक्स वाई मतलब कि 40 इंटू 27 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 0, 8, 10। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जर्नी हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से टेक्स्ट करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, और अगर आपको ये समझ आ गया, इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।